जय भागवत राव ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता। मां के जेवरात गिरवी रखकर बाहर देश में खेलने गए भिलाई के खिलाड़ी जय भागवत रावत ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता है। पदक जीतने के बाद मंगलवार को वापस भिलाई लौटा तो दुर्ग रेलवे स्टेशन में उनका भव्य स्वागत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार हांगकांग में 5 मई से 11 मई तक एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से सीनियर्स कैटेगरी में जय भागवत ने हिस्सा लिया था। उसने 66 किलो वजन समूह में कुल 522.5 लिफ्ट करके देश के लिए कांस्य पदक जीता। भागवत राव भिलाई इस्पात संयंत्र टीम के वार्ड पावर लिफ्टर हैं। अब तक इन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर के पदक अपने नाम किए हैं। भागवत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर देश के लिए पदक जीता है। वहीं भागवत राव की इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि के लिए राज्य के खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छत्तीसगढ़ और दुर्ग का नाम रोशन करके और क्या आपसे मिला था और उसके पीछे कितनी संघर्ष रही बहुत मेहनत रही है सर। मेहनत तो बस सर बस मेहनत ही किए सर, उससे ज्यादा क्या बोले सर। देश भर से कितने लोग गए थे? देश भर में सर टोटल इंडिया से गए थे सर, टोटल 51 जन गए थे। उसमें से कोच गए थे, कोच मैनेजर अलग से गए थे सर। सर टोटल हमारे बॉडी वेट में 7 जन थे सर। उसमें सर अब 19-20 हो रहा था सर, कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे जा रहे थे मैदान में, कभी तो 4th-5th भी चले गए थे सर। और फिर लास्ट में एंड मैच पे पता चला कि सर मैं ब्रॉन्ज मेडल लगा सर। क्या कहना चाहेंगे जीत पर? तो बहुत खुशी है सर। बस आपका जो स्टूडेंट है जीत के आया है, जी क्या कुछ कैसा मेहनत करता था और क्या वो जीत के आया है, कहाँ गया था खेलने? मैं एग्जैक्ट क्या है जिले का मतलब क्या ना, मैं कोच हूँ मैं, लेकिन किंतु परंतु उसका मतलब क्या ना, मैं उसको ट्रेनिंग कराने वाला, ये भुवनेश्वर उसको ट्रेनिंग कराते थे, जो उन्होंने मतलब सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा, वो खुद मतलब एक ट्रेनर है जहाँ मतलब पावर जिम में मतलब अपना सेवा करते हैं और सेवा देते हुए मतलब ट्रेनिंग करते हैं। और भुवनेश्वर उसके मतलब सुबह से लेकर शाम दोनों टाइम को उसका डाइट, उसका खाना पीना इन्होंने तो मतलब देख रेख करते हैं। आज सबसे बड़ी बात ये बता दें, बंद करने बोल दें, आज सबसे बड़ी बात ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन किंतु परंतु कुछ मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से हमारी प्रतिभा बाहर नहीं पाती। आज ये जो है मैच, इसका 2 साल पहले इनको हो जाना चाहिए था। ये आज कम से कम लगातार 4 साल से मतलब जूनियर से खेल रहे हैं। दिक्कतें इनकी आर्थिक परिस्थितियाँ, इनकी जो आर्थिक परिस्थितियाँ जो है, किस प्रकार का सहयोग सरकार से अभी तक किसी प्रकार से कोई भी सहयोग नहीं मिला है। जन भागीदारी जो मतलब सहयोग करते हैं, इनका व्यक्तिगत मतलब जो सहयोग रहा है, आज ये बड़े भैया होने के नाते इन्होंने कम से कम इनने यहाँ से 2.5 से 3 लाख रुपए इनके ऊपर खर्चा आया है। खुद इन्हें बियर किए, माँ अपने मतलब जो उनका जेवर है ना, उन्होंने अपने भाई को दिया कि भाई मेरे बेटे के लिए मतलब जेवर लेके जाओ और मेरे बेटे को कैसे भी करके मतलब। और इनके जो चाचा जो है वो मतलब बेल मतलब इनका मतलब पूरा सपोर्ट किया ऐसा करके। एशियन जीत के आए हैं, क्या लगता है आगे कितना सपोर्ट मिलेगा सरकार से? हाँ नहीं, उम्मीद तो बहुत है सरकार, जैसे पिछले सरकार जो थी हम लोग को जो अवार्ड नहीं दिया, सरकार ने हमको अवार्ड हमने घोषणा किया 3 साल बाद मेरे को विनोद चौबे का अवार्ड मुझे मिला। अभी मार्च 2014 में मतलब 24 में मेरे को 21 में घोषणा हुआ था, वो अवार्ड मेरे को अभी इसमें मिला। लेकिन ये जो सरकार अभी नई सरकार आई, सरकार से बहुत उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को उसके मतलब मेहनत का उसका सार मिलना चाहिए, उसके पढ़े लिखे अनुसार में उसको मिलना चाहिए, और उसके जो डाइट मनी बच्चों को जो ट्रैक सूट डाइट मनी नौकरी में जब अभी तक नहीं मिला सर, ब्रेक है। और सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में, जैसा अपना पिछले सरकार ने क्या किया, 2 लोगों को मतलब किसी को DSP बना दिया, किसी को SP बना दिया, ऐसा वैसा नहीं होता। जो जमीनी तौर पे जो मतलब खेल रहे हैं जा रहे हैं उसको नौकरी मिले, उनके मतलब उनके उनके योग्यता के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि हायर क्लास में दीजिए आप, उनकी योग्यता के हिसाब से उसके मान सम्मान मतलब उसको मिले जीवन के प्रति। माय नेम इज नस्कर टंडन, आई एम द इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी, इंडिया टीम का कोच, छत्तीसगढ़ का ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट का कोच एंड सेक्रेटरी। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।